सुल्तानपुर में बीते 13 जुलाई को बैंक फ्रेंचाइजी पर युवक की हत्या पर लूट के मामले में पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। घटना में शामिल एक युवक को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और लूट का 3800 रुपये भी बरामद किया। घटना में शामिल अन्य बदमाश मौका देकर फरार हुआ। दरअसल ये मामला है, बीते 13 जुलाई और दोस्तपुर थाना क्षेत्र के पलिया देवपुर गांव का रहने वाला शुभम पांडे बाजार में स्थित बैंक फ्रेंचाइजी पर पैसा जमा करने गया था। उस दरमियान बाइक सवार 3 बदमाश मौके पर पहुंचे और बैंक फ्रेंचाइजी पर लूट करने लगे। शुभम पांडे ने लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी। करीब 38,000 रुपये लूट कर फरार हुए। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय शुभम की मौत हो गई थी। घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने दोस्तपुर चौराहे पर जाम लगाकर प्रदर्शन करने लगे थे। इस घटना के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कई टीमें लगाई गई। आज कादीपुर कोतवाली के अमरेथू डडिया गाँव में बदली महाविद्यालय के पास पुलिस को आता देख कुछ संदिग्ध भागने लगे, जिनमें से एक युवक माधवेश तिवारी को पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि इसके अन्य साथी मौके से फरार हुए। पुलिस ने जब माधवेश की तलाशी ली तो इसके पास से एक अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस के साथ साथ 3800 रुपये बरामद हुए। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो इसने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। पुलिस की माने तो माधवेश ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर बैंक फ्रेंचाइजी पर शुभम पांडे की गोली मारकर हत्या की थी। साथ 38,000 रुपये लूट कर फरार हो गए थे। इस घटना के पहले उन्होंने एक डॉक्टर से 5500 की लूट की थी, उसकी पिटाई कर मौके से फरार हो गए। 7/2021 को आपने सुना होगा कि ग्राहक सेवा केंद्र में गोली मार के और लूट किए थे। उसी दिन लगातार 3 घटनाएं हुई थी। एक कादीपुर में हुई थी, 2 दोस्तपुर में ही हुआ था घटना। इस संबंध में एक अपराधी पकड़ा गया है जिसका नाम है माधवेश तिवारी, जो कि कादीपुर थाना के रहने वाला है। इसके अन्य आपराधिक इतिहास भी हैं। इसके साथ इसने अपराध स्वीकार किया है अपना, और इसके साथ 315 इंस्पेक्टर दोस्तपुर और इंस्पेक्टर चांदा, ये और स्वाट टीम की संयुक्त प्रयास से ये खुलासा हुआ है। और अभी जो इनके जो शीर्ष मेंबर्स हैं, जो इसके साथ अन्य अपराधी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी और आगे जो भी विधिक कार्रवाई है। खबर भारतवर्ष के लिए सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से राज जायसवाल की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।